नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। चार महीने में 24 शहरों के घर घर तक पहुंचेगी पाइपलाइन से गैस। बिहार के लिए हाल ही में इंडियन ऑयल ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत बिहार के 24 जिला मुख्यालयों और शहरों के घरों में जून जुलाई तक हर हाल में घरेलू गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से होने वाली है, जिसके बाद बिहार वासियों को आने वाले चार महीने में गैस सिलेंडर की बुकिंग और रिफिलिंग कराने से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। खबरों की माने तो इंडियन ऑयल ने छपरा सहित 9 शहरों में इसके लिए क्षेत्रीय मुख्यालय भी खोल लिया है। छपरा क्षेत्रीय मुख्यालय के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में हो रहे कामकाज की देखरेख की जाएगी। इसको लेकर कंपनी के वरीय परियोजना प्रबंधक अनीश कुमार ने बताया है कि पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी कुछ काम अतिक्रमण के कारण अटका हुआ है। कंपनी इसके लिए जिला प्रशासन के संपर्क में है। जिन जिलों में पाइपलाइन लगाई जाएगी उसमें औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई, नवादा और छपरा का नाम शामिल है। सीमा सड़क संगठन ने निकाली रिक्तियां। सीमा सड़क संगठन ने ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, स्टोर रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर, इंजन ड्राइवर, टेक्निकल स्टोर कीपर के कुल मिलाकर 459 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 12वीं या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय रहेगा अब राजधानी पटना में। कुछ ही दिनों पहले आई खबरों के अनुसार गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना से लखनऊ शिफ्ट करने की बात हो रही थी। हालांकि इसको लेकर अब जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। इसको लेकर उन्होंने बीते दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यालय शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, न ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि खबरों की माने तो कुछ ही दिनों पहले मुख्यालय शिफ्ट करने की बात कही गई थी। इस खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी काफी गंभीरता से लिया था और तत्काल संज्ञान लेते हुए संजय झा ने केंद्रीय मंत्री से बात करने को कहा था। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का प्रकाशन हुआ शुरू। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का प्रकाशन शुरू हो चुका है, जिसके तहत राज्य के सतही जल निकायों का यह एटलस विभिन्न जिलों में उपलब्ध सभी सतही जल निकायों का मानचित्र पेश करता है। उसमें जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सर्वेक्षित जलाय निकायों के आंकड़ों को पैमाना भी दर्शाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की गेजेटियर पुनरीक्षण शाखा के नाम से इसे शुरू किया गया है। मानचित्र के सामान्य अव्यय सीमा रेखा नदी तालाब फॉफ्ट साइज का निर्माण हो गया है। सिंचाई विभाग से जरूरी आंकड़े भी मिल गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग से आंकड़ों की मांग की गई है, जो कि अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस 250 पेज वाले एटलस में 100 से अधिक नदियों का मानचित्र होने वाला है। राजधानी में जल्द ही 21 इलेक्ट्रिक बसों का होगा परिचालन। राजधानी पटना में जल्द ही 21 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होने वाला है। इनमें से 8 बसें पटना आ चुकी हैं। इसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन और परमिट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी, जिसके बाद अब 10 दिनों के अंदर इनका परिचालन शुरू होने की संभावना है। सभी बसें परिवहन विभाग के फुलवारी शरीफ डिपो में हैं और बाकी बसें राजस्थान के अलवर से मार्च के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। इन बसों से शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। इसमें सीट से लेकर लुक तक लग्जरी बस जैसा ही है। इतना ही नहीं, इस बस में सिटी बसों से 60% अधिक आरामदायक होने की उम्मीद भी जताई गई है, जिसके बाद बस 1 घंटे के अंदर बस फुल चार्ज हो जाएगी और इससे लगभग 250 किलोमीटर ये चल सकेगी। खेसारी लाल यादव ने शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सृजन के प्रति ध्यान देने की कही बात। खेसारी लाल यादव इन दिनों सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। पहले काजल राघवानी के साथ चर्चा में आए खेसारी लाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत बनने की बात कही थी, वहीं अब उन्होंने सरकार को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में बिहार मैट्रिक परीक्षा के दौरान पर्चा लीक होने के मामले को उठाया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्चा लीक होने से विद्यार्थियों का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। देश के वर्तमान और भविष्य को हम ऐसे उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार से यह गुजारिश है कि शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सृजन के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दे मालिक, जिंदगी की बात वाह। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद आनन फानन में सरकार ने पहली पाली की परीक्षा को कैंसिल करने का आदेश जारी किया था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में आज ही के दिन साल 1980 को हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अभिनय करियर के लिए कोस्टारिका का रुख किया था। इसके लिए उन्होंने मध्य अमेरिका को छोड़ दिया था। स्पेनिश भाषा के साथ उनका संघर्ष, उनके दिन और रात की कड़ी मेहनत और भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मजबूत प्रेम ने उन्हें मध्य अमेरिका में भारत को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित हमेशा से करता रहा है, जिसके कारण ही वो मध्य अमेरिका में हिंदी फिल्मों की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहली बार 2017-18 में एनरेडा डोस ला कन्फ्यूजन में सबसे पहले भारतीय लैटिन ए
MRICAN मूवी उन्होंने किया था जो काफी सफल हुई थी। बिहार विधानसभा की कार्रवाई में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तेजस्वी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन बिहार विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ राजद के कई विधायक भी थे। वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी एमएसपी को लेकर जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भाकपा माले विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके तहत माले विधायक पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर वृद्धि पर चर्चा की मांग करते देखे गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा लगातार सदस्यों को समझाने की कोशिश करते देखे गए। हालांकि कुछ भी सफल साबित नहीं हुआ और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके बाद सदन को 2 बजे के लिए स्थगित भी कर दिया गया था। धान की सरकारी खरीद में बिहार ने रचा इतिहास। जहां एक तरफ देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार एक ऐसा राज्य है जो किसानों को लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। वहीं अब बिहार ने अपने नाम नए कीर्तिमान को दर्ज कर लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने अपने वादे अनुसार 35 लाख टन धान की सरकारी खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें, बिहार सरकार ने धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य 30 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन कर दिया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में ही सहकारिता विभाग ने 35 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब तक सहकारिता विभाग केवल 30 लाख टन धान की खरीद के लक्ष्य का पीछा करने में ही सफल हो पाता था। हालांकि आज एक ऐसा समय है जब सहकारिता विभाग ने इस नए कीर्तिमान को हासिल कर लिया है। अब स्कूल में एडमिशन लेना हुआ और ज्यादा महंगा। बिहार में अब स्कूल में पढ़ना और ज्यादा महंगा होने वाला है। बिहार में नर्सरी और एलकेजी में बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में इस बार नामांकन शुल्क को बढ़ाने का काम किया गया है। 2020 के मुकाबले 2021 में नर्सरी नामांकन शुल्क में 7 से 12 हजार रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। इसकी जानकारी स्कूल द्वारा अभिभावकों को दी जाने लगी है। ज्ञात हो कि इस सप्ताह से स्कूल ने एलकेजी नामांकन का रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया है। जिस बच्चे का नाम नामांकन सूची में आया है, उन्हें स्कूल द्वारा फीस स्ट्रक्चर की जानकारी भी दी जा रही है। जिन स्कूलों ने पिछले साल नर्सरी में नामांकन शुल्क 55 से 58 हजार रुपए लिया था, वो इस बार 65 से 66 हजार रुपए शुल्क के तौर पर ले रहे हैं। यह स्थिति राजधानी पटना के बड़े स्कूल की है। बिहार में 30 पुलिस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा और बिहार पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके तहत जहानाबाद के एसपी और 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी बदल दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने तबादले की सूचना बीती रात ही जारी कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक बीएमपी 5 के कमांडेंट हरप्रीत कौर को बीएमपी 10 का अतिरिक्त प्रभार, एसपी जहानाबाद मीनू कुमारी, एसपी नीलेश कुमार, राशिद जमान, दीपक रंजन, राजीव रंजन 2 समेत कई का तबादला कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में हुआ इजाफा। पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खबरों की माने तो वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़कर 1,78,835 हो गई है। यह आंकड़े दिसंबर 2020 तक के हैं। प्रायः हर महीने लंबित मुकदमों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि इन मामलों का निपटारा कब और कैसे होगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। जानकारों का मानना है कि जजों की भारी कमी इसका मुख्य कारण है। पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या 53 है, इनमें 40 स्थायी और 13 एडिशनल जज है। मौजूदा समय में केवल 21 स्थायी जज ही कार्यरत है। 32 पद रिक्त है, जिनमें 13 एडिशनल जज के पद भी शामिल है। बिहार के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मरीजों के लिए जल्द शुरू होगी दीदी की रसोई। राज्य के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष जीविका दीदी की रसोई को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आशा की दीदियां एक मरीज के लिए 100 रुपए में नाश्ता एवं खाना उपलब्ध करा रही थी, हमने इसे बढ़ाकर 150 रुपए तक कर दिया। आज दीदी की रसोई कार्यक्रम के संचालन के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया है, जिससे सभी सदर तथा अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई स्थापित की जा सकेगी। डे एंड नाइट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम कर रही है जोर शोर से तैयारी। भारतीय टीम ने बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले डे नाइट टेस्ट से पहले भारतीय टीम पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। नए मोटेरा स्टेडियम में स्विंग लेती पिंक बॉल से प्रैक्टिस करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को देखा गया है और कप्तान विराट कोहली ने इस कड़े ट्रेनिंग सेशन की अगुवाई की है। इंग्लैंड से चेन्नई में पहला टेस्ट 227 रन से इंग्लैंड ने चेन्नई में पहला टेस्ट 227 रनों से जीता था और भारत ने शानदार वापसी करते हुए इसी स्टेडियम में दूसरे मैच में 317 रनों से जीत हासिल की थी, जिससे 4 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है। घरेलू टीम एक अन्य जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए घरेलू टीम के खिलाड़ियों ने नए सरदार पटेल स्टेडियम में नेट पर प्रैक्टिस करने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फील्डिंग ड्रिल की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि इस मैच में भी दर्शकों की गूंज देखने को मिलने वाली है।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के इस माहौल में आप अभी भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।